सरस्वती देवी बख्श सिंह इंटर कॉलेज बेलसर गोंडा में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में विज्ञान गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य अजीत सिंह ने कहा कि सीवी रमन जी ने खोजा की जबकि कोई एक वर्णी प्रकाश द्रव और ठोस में से गुजरता है तो उसमें आपत्ति प्रकाश के साथ अत्यंत तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश दिखाई देता है। इसी खोज पर उन्हें 28 फरवरी 1928 को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसे रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने आगे कहा कि आकाश का नीला दिखाई देना और उगता सूर्य और अस्त सूर्य का लाल दिखाई देना रमन इफेक्ट के प्रभाव से ही समझा जा सकता है। गोष्ठी को संबोधित करते हुए रसायन विज्ञान प्रवक्ता मजहरुल हक अंसारी ने सीवी रमन के जीवन पर प्रकाश डाला और आगे कहा कि विदेश में रहने के बाद भी सीवी रमन जी भारतीयता को ही बढ़ावा देते रहे। उन्होंने छात्रों से विज्ञान को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने को कहा। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।